दोस्तों गुड मॉर्निंग, एक नई सुबह में फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल टूर कैलकुलेटर में। और आज एक बार फिर से हम लोग एक नए डेस्टिनेशन के लिए निकल चुके हैं और सुबह का टाइम हो चुका है 5:30। दोस्तों अभी दो लोगों को और पिक करना है तो जा रहा हूँ। उनको पिक करने के बाद गाड़ी की फ्यूलिंग होगी, उसके बाद आपको बताऊँगा कहाँ के लिए हम लोग निकल चुके हैं। तो चलिए मिलता हूँ थोड़ी देर में। दोस्तों हमने दोनों दोस्तों को पिक कर लिया है, अब हम लोग आ गए हैं फ्यूलिंग स्टेशन पे। यहाँ हमारी गाड़ी की फ्यूलिंग होगी, उसके बाद हम लोग निकल चलेंगे एक बहुत ही खास लोकेशन के लिए। दोस्तों हम सुबह निकले थे, सुबह करीब 5:30-6 बजे निकले थे पटना से, और हम लोग का जाने का प्लान है पोखरा नेपाल। तो अभी करीब बज गया है 9:30, हम लोग पहुँचे हैं अभी मोतिहारी। अभी से उम्मीद है कि 1 घंटा और लगने वाला है बॉर्डर तक पहुंचने में, 10:30 बजेगा, और उसके बाद फिर बॉर्डर क्रॉस करने के बाद बॉर्डर के पास आपसे मिलते हैं फिर। दोस्तों रास्ते में मोतिहारी के पास एक बेहद ही खास प्रकार का फल हमें मिला है, आप लोग को अगर पता हो तो कमेंट में बताइएगा ये कौन सा फल है। आगे चाकू ले लिया हमें 10 रुपया। चाकू का क्या लेगा? अरे अमरूद काटे ला, घूमने जा रहा हूं, मर्डर करने जा रहा हूं। ले लो चश्मा जी। ना हम कुछ ना ले रहे, हम रात से मूड ऑफ फॉलो 0786 है बाबा 06। कोई राशन पानी का दुकान पर रुके हैं जी? राशन पानी? हाँ उसमें एक 10। तुम घूमने जा रहे हो, खाना बनाने जा रहे हो? 10 रुपया का चाकू लेंगे और नमक भी ले लिया है। नमक है बड़ा पास में यार, नमक लेके जा रहा है। चाकू गाड़ी कितना अच्छा रह रहा आज, जनरेटर इसको नहीं ले है, इसको पाउच कर दो अभी। हम लोग डीजल लेने के लिए रुके हैं, ये जगह है रामगढ़वा, जो कि करीब बीरगंज से 15-17 किलोमीटर की दूरी पे है अभी। और यहाँ से नेपाल का जो डीजल का रेट है वो करीब 95-96 रुपये है, यहाँ पे 94 समथिंग पड़ रहा है, तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं यहीं पर फुल करा लेते हैं। बीरगंज बॉर्डर है नेपाल जाने के लिए, तो बिहार से आते हैं तो आपको रक्सौल की तरफ से अगर नेपाल एंट्री करना चाहते हैं तो आपको बीरगंज आना होगा। पहले ही चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट पे बहुत सी गाड़ियां जो आती है, जो बाहर से मतलब इंडिया से आ रही है, सब कुछ चेक किया जाता है। तो ये देखिए हमारे आगे जो गाड़ी जा रही है उसमें चेकिंग हो रहा है, उसके बाद हमारी भी होगी शायद चेकिंग। और वो जो सामने जो गेट देख रहे हैं, ये गेट, ये नेपाल का गेट है, और उसके उधर हम चले गए तो हम नेपाल में चले जाएंगे। ये देखिए ये जो गेट आप देख रहे हैं ये नेपाल का है, इस गेट से जैसे ही हम अंदर जाएंगे तो हम नेपाल में प्रवेश कर जाएंगे। तो चलते हैं नेपाल में, फिर आपसे आगे मिलते हैं, कागज़ क्या बनवाना होगा उसके हिसाब से। और ये सिक्योरिटी यहाँ की, ये देखिए सामने जो ऑफिस देख रहे हैं ये बीरगंज का, ये भंसार का ऑफिस है, यहाँ से अभी हम अपने गाड़ी के लिए कागज़ बनवाएंगे जाने के लिए नेपाल एंट्री के लिए। तो चलते हैं देखते हैं कितना लगता है, तो बनवा के आपसे मिलते हैं। ये देखिए यही ऑफिस है बीरगंज भंसार कार्यालय, और यहीं से हमारा बनेगा गाड़ी का कागज, और उसको बनाने के बाद हम लोग निकलेंगे पोखरा के। तो अभी हम लोग बॉर्डर को पार किए हुए करीब 1.5-2 घंटे होने वाले हैं, और हमारी दूरी जो पूरी तय हुई है अभी पटना से लेके यहाँ तक करीब 300 किलोमीटर हम लोग तय कर चुके हैं, और अभी 200 किलोमीटर और बचा हुआ है। और अभी तो हम लोग हथौड़ा, ये हथौड़ा एक शहर है बीरगंज से करीब 50-60 किलोमीटर की आगे है, तो वहाँ से पार करके आगे मुगदिल की तरफ बढ़े हैं। अब यहाँ से मुगदिल करीब 25 किलोमीटर होगा, बीच में चितवन पड़ेगा, और उसके बाद हम लोग पोखरा के लिए राइट लेफ्ट टर्न लेंगे। जब भी आप यहाँ अगर 4-व्हीलर से आते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जब बीरगंज में भंसार कटवाते हैं या बनवाते हैं तो उस समय किसी एजेंट के चक्कर में नहीं पड़िए, बहुत सारे एजेंट मिलेंगे वहाँ आपको, जैसे ही आपकी गाड़ी खड़ी होगी 4-5 आ जाएंगे। तो कोशिश कीजिए आप खुद ही चले जाइए काउंटर पर, क्योंकि पहले की अपेक्षा बहुत सुधार हो चुका है यहाँ के काउंटर पर। देख रहा है पिंटू?
पानी है कि नाला भरा है? वही लेट लेट के नहाए वाला पानी है। लेट के नहाओगे कैसे यार? वैसे ही लेट जाए फिर लोग भरते रहिए ओकरा में नहा लीजिएगा। ये कौन सा नहाना होता है? कौआ स्नान करेगा क्या? कौआ स्नान हो जाएगा। चलो तब लौटते समय हम लोग कौआ स्नान करेंगे, दिखाएंगे आपको कौआ स्नान कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है आप लोग को भी दिखाएंगे। कहावत है कि जब नेपाल आता है लोग तो सुनने को मिलता है सूर्यास्त और नेपाल मस्त, क्यों कहा जाता है आप लोग कमेंट में बताइएगा जरूर कि ये कहावत क्यों इतना पॉपुलर हुआ है सूर्यास्त और नेपाल मस्त। तो इसी के लिए खोजने के लिए हम जा रहे हैं पोखरा, ताकि सुनने में आया कि पोखरा ही मेन जो ये कहावत है पोखरा के नाम कारण ही पॉपुलर हुआ है। तो हम लोग जा रहे हैं पोखरा ही, और पोखरा में देखते हैं कि आखिर क्यों ऐसा कहा गया है कि सूर्यास्त और नेपाल मस्त। तो उम्मीद करते हैं कि सूर्यास्त होने तक तो हम पोखरा पहुंच ही जाएंगे, उसके बाद देखते हैं नेपाल मस्त है कि नहीं है, अगर नहीं मस्त होगा तो हम लोग मस्त कर देंगे। अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं नेपाल या काठमांडू जा रहे हो या पोखरा जा रहे हो तो कोशिश कीजिए कि अगर आप एक्सपर्ट हैं चलाने में तभी यहाँ आइए, क्योंकि बहुत संकरा रोड है। आप देख रहे हैं हमारे आगे एक ट्रक जा रही है, काफ़ी देर से जा रही है, लेकिन हमारे पास इतनी जगह नहीं मिल पा रही है कि हम पास लें। जब भी पास लेने की कोशिश करते हैं कोई ना कोई गाड़ी आगे से आ जाता है, तो सिंगल रोड होने के कारण ज़बरदस्ती पास ले नहीं सकते, पहाड़ी इलाका है। तो कोशिश कीजिए एक्सपर्ट अगर हों आप तो ही आप अपनी गाड़ी से आइए। और फाइनली हमने पास ले लिया उस गाड़ी से, अच्छा हुआ हमने आपको बताया, नहीं बताते तो पास ही नहीं ले पाते। आगे चेक पोस्ट है, देखते हैं क्या चेक होता है हमारा। यहाँ चेक पोस्ट है, रुकने के लिए कहा गया हमें, रुकते हैं। आगे बोलने आगे बुला रहा है। देखने के बाद हमें आगे लाइसेंस लिए हुए है ना, अपना कनपट्टी में वो लाइसेंस चिपका लिया है। देखिए हमारे सामने एक पहाड़ आ रहा है, अभी हम लोग को जाना है इस पहाड़ के उस पार। इस पहाड़ के उस पार हमें क्रॉस करने के बाद मिलेगा चितवन, और चितवन के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सोच रहे हैं कि थोड़ा देर, दो घंटे से लगातार हम लोग चल रहे हैं, थोड़ा कहीं चाय पानी हो जाए उसके बाद फिर चलेंगे। और उम्मीद करते हैं कि करीब 5 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे पोखरा। चलिए मिलते हैं हम चितवन में, देखते हैं अगर कहीं रुकते हैं तो फिर मिलते हैं। अभी 2 बज गया दोस्तों, अभी करीब 2.5 घंटे हो गए हम लोग को चलते हुए, और अभी हम लोग चितवन में हैं। चितवन में अभी पीछे एक चेक पोस्ट मिला था हम लोगों को, पहले मैं 2 बार आ चुका हूँ इस रास्ते पे, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं हमारे साथ कि चेक किया गया हो गाड़ी को रोक करके सारा सामान पूरा बैग खोल कर। लेकिन इस बार क्या हुआ कि अभी हम लोग जैसे ही चितवन में इनकी एक चेक पोस्ट था, वहाँ पर हमारी गाड़ी रोक दी गई, और जितने भी बैग थे उसमें सबको बोला गया कि थोड़ा थोड़ा खोल कर दिखाने को। और मेरे साथ एक और मेरे दोस्त हैं पीछे बैठे हुए, ये पीके मोटो ब्लॉग इनका चैनल है, तो इन्होंने रिकॉर्ड करने की कुछ कोशिश की लेकिन उन्होंने मना कर दिया रिकॉर्ड करने से, और बोला गया कि आप डिलीट कर दो जो भी आपने रिकॉर्ड किया है। लेकिन ऐसे कुछ फुटेज है हमारे पास, आपको शायद मैं वीडियो में कोशिश करूँगा कि आगे डाल दूँ। तो जब भी आप आए तो कोशिश कीजिए कुछ ऐसा सामान आपके साथ ना हो जो आपत्तिजनक हो, ताकि आपको रोका ना जाए। कोशिश कीजिए कि आप फेयर सामान लेके ही ट्रेवल करें, और ड्रिंक एंड ड्राइव, और ड्रिंक करके ड्राइव करें ना बिल्कुल ना करें, क्योंकि मैंने बोल दिया ड्रिंक एंड ड्राइव करो, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग ड्रिंक एंड ड्राइव ही कीजिएगा, ड्रिंक एंड ड्राइव मत कीजिएगा, मैं ये कहने वाला था। इसीलिए आप बिल्कुल जब भी आएँ तो आजकल सिक्योरिटी पर्पज़ से काफ़ी ज़्यादा चेकिंग हो रही है, तो कोशिश कीजिए कुछ आपत्तिजनक चीज़ आपके साथ ना रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, फिर मिलते हैं आगे कहीं किसी अच्छे लोकेशन पे। आपको बताया गया कि ये जहाँ से हम लोग तेल लेते हैं गाड़ी में उसको पेट्रोल पंप क्यों बोलते हैं, डीजल पंप क्यों नहीं बोलते हैं, बताओ? डीजल पंप क्यों नहीं बोलते हैं? हम बताते हैं, ये आप बोलते हैं, हम नहीं बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं। हम तो फ्यूल पंप बोलते हैं। ठीक है, चलो तुम बोलता है, एक आदमी बोला कि फ्यूल पंप होता है, ठीक है, बाकी तुम किसी भी आदमी से पूछ लो तो पेट्रोल पंप ही लोग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पेट्रोल पंप, डीजल पंप क्यों नहीं बोलते? वहाँ तो डीजल लेना रहता है, ज्यादा लोग पेट्रोल लेना। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कुछ और कारण है, कुछ और कारण है।
ज्यादातर पेट्रोल पंप ही लोग बोलते हैं, चाहे वो डीजल लेने वाले लोग हो, हम हमारी गाड़ी तो डीजल है, हम डीजल लिए हैं, लेकिन जब ढूंढते हैं किसी से पूछते हैं तो पूछते हैं कि पेट्रोल पंप कहाँ है आगे, ऐसा क्यों? बताओ। गाड़ी देख रहे हैं XUV 500 महिंद्रा का, जो इंडियन कंपनी है, नेपाल में चल रही है, नेपाली नंबर आप देख सकते हैं। हम बता सकते हैं तो आप बुलाया था। अब ये बताओ आप लोग कमेंट करके कि इस गाड़ी का नेपाल में क्या रेट होगा, बताना। इंडिया में तो इसका रेट करीब 17-18 करीब पड़ता है, तो आप बताना कि नेपाल में इसका क्या रेट। हम पेट्रोल के बारे में यही बता सकते हैं कि लोग पेट्रोल पंप क्यों कहते हैं, क्योंकि वो पेट्रोलियम पदार्थ है, पेट्रोलियम पदार्थ, डीजल बनता है, पेट्रोल बनता है, केरोसिन बनता है, इसीलिए लोग उसे पेट्रोल पंप ही बोलते हैं। ये आंसर सही हो सकता है, लेकिन आप लोग बताइएगा कि आप लोग के माइंड में क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसे अंजन बाबू का तो कहना है कि पेट्रोलियम पदार्थ है इसलिए पेट्रोल पंप बोला जाता है, इसके कच्चे तेल को पेट्रोलियम ही बोला जाता है। ये तो है सही। चलो ठीक है, आपका आंसर नोट किया जाता है। हम लोग आ चुके हैं चितवन नेशनल पार्क के बीचों बीच, बिल्कुल अभी हम लोग हैं, हमारी गाड़ी चल रही है चितवन नेशनल पार्क के बीचों, आप दोनों साइड देख सकते हैं, इस साइड भी चितवन का ही पार्ट है और इस साइड भी चितवन का ही पार्ट है। काफी जगह यहाँ पे आपको साइन बोर्ड मिल जाएगा कि यहाँ जंगली जानवर आते जाते रहते हैं तो हॉर्न का प्रयोग ना करें। देखिए यहाँ बोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा, ये देखिए। तो अभी लगता है करीब हम लोग 3-4 किलोमीटर इसी चितवन में ही, चितवन नेशनल पार्क के बीचों बीच ही चलेंगे और उसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे नारायणगढ़, नारायणगढ़ के बाद मोदी। चलिए चितवन पार्क का व्यू आपको दिखाते चलते हैं, आप टाइम लैप्स में मजा लीजिए चितवन पार्क का। You are my lucky charm. I hold you close in the night in my arms. And when we all हम लोग आ गए हैं नारायणगढ़ के पास और यहाँ काफी ट्रैफिक जाम है, पता नहीं आगे क्यों जाम है, तो आगे बढ़ने पे पता चलेगा। हमने उतर कर देखा था आगे काफी लंबा जाम है, तो बैठते हैं थोड़ी देर वेट करते हैं फिर आगे चलते हैं, जैसा होगा आपको अपडेट देंगे। देखिए यहाँ का जाम, आधे घंटे हो गए हम लोग खड़े हैं जाम में, चारों तरफ गाड़ियां खड़ी हैं आकर के यहाँ, और ये 4 बजे खुलने का टाइम मिला है, 4 बजे के बाद हम लोग जा पाएंगे, काफ़ी दूर तक जाएंगे। अभी हम लोग आ गए हैं, ये मुगदिल है, मुगलिन जो भी है, तो यहाँ से दो रास्ते जाते हैं, एक रास्ता लेफ्ट को जाता है, एक रास्ता जाता है राइट को, तो राइट साइड में अगर आप जाएंगे तो काठमांडू चले जाएंगे और अभी हम लोग जाएंगे लेफ्ट वाले, क्योंकि हम लोग को पोखरा जाना है, तो हम लोग लेफ्ट वाले रास्ते पे जा रहे हैं। पोखरा यहाँ से करीब 100 के आसपास पड़ता है और अगर आप इधर जाते हैं काठमांडू तो वो करीब 130 के आसपास पड़ता है, तो हम लोग घूम चुके हैं पोखरा के लिए। एकदम बड़का लगता है, 300x कैमरा ले पड़ेगा एकदम 300x जूम। दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने होटल के पास पोखरा में, और ये हमारा होटल है होटल अल्पाइन, और ये यहाँ का व्यू होटल के पास का, इसके थोड़ी ही आगे पोखरा लेक है। हम अपनी गाड़ी पार्क में लगा दे रहे हैं और होटल के आगे ही बिल्कुल इसके सामने ही इसकी पार्किंग है, यहीं पे अपनी गाड़ी पार्क करके चलते हैं रूम में। और होटल का बता दो दोस्तों, होटल काफ़ी अच्छा है और काफ़ी किफ़ायती रेट में हमें मिल गया है, इसका करीब 1000 रुपया पर रूम का पड़ा है, साथ ही साथ यहाँ वाईफाई फ्री है, तो इसलिए हमने ये होटल लिया। साफ़ सफाई भी अच्छी है और खाने का भी बहुत अच्छा यहाँ मैंने देखा, सही व्यवस्था है। दोस्तों फाइनली हम पहुँच गए हैं पोखरा, बहुत ही स्ट्रगल के बाद पोखरा पहुँचे हैं,
क्योंकि इतना ज्यादा ट्रैफिक था कि पूछो मत, बहुत ही ज्यादा। मुगलिन तक तो मतलब दो घंटे हम लोग तो मुगलिन तक ही डिले हो गए थे। उसके बाद हम लोग मुगलिन से पोखरा आने में करीब हम लोग को टाइम लग गया 4 घंटे। 100 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में हम लोगों ने तय की है, वो भी बहुत मुश्किल से। रोड की कंडीशन बिल्कुल खराब है, बहुत ही ज्यादा खराब। तो दोस्तों आप अभी अगर हाल फिलहाल में आने का प्लान कर रहे हो तो बिल्कुल मत आना, कुछ दिन वेट कर लो, रोड कंडीशन सही हो जाएगी तब आना। तो दोस्तों फाइनली हम लोग 8 बजे करीब पहुंच गए हैं और यहाँ हम लोगों ने होटल चेक इन कर लिया है। होटल का रेट काफ़ी अच्छा हम लोगों को मिल चुका है, करीब 1000 रुपये में एक रूम हम लोगों को मिला है। साथ ही साथ यहाँ वाईफाई की सुविधा है और अच्छी वाईफाई, अच्छी स्पीड है इसकी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, और खाने का हमने ऑर्डर दे दिया है, इसी का रेस्टोरेंट भी है तो उसी में हम लोग खाना खाएंगे। चलिए दोस्तों फिर कल मिलते हैं आपसे, आज के लिए इतना ही। पटना से लेकर पोखरा तक का पूरा वीडियो और कल पोखरा में जो भी एक्सप्लोर करेंगे आपके साथ, कोशिश करूँगा कि कल शाम तक आपके साथ इसको शेयर करो। ये हमारा खाना आज का, चावल दाल रोटी सब्जी साग पापड़ सलाद, ये हमारा यहाँ का खाना हुआ होटल अल्पाइन का, और बहुत ही अच्छा टेस्टी है, लोग खा रहे हैं बहुत ही टेस्टी है। चलिए अभी हम लोग खाना खाते हैं, फिर सुबह आपसे मिलते हैं।